उधर आगरा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह राहगीरों को हथियारों की नोक पर अपना निशाना बनाता था और इसी गैंग ने बीते दिनों एतमादपुर में 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। इंदौर पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों पर लगातार नकेल कस रही है। तेजारी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजे के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 50,000 की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, पर इसके बावजूद लोग अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाजारों में बिना मास्क के ऐसे ही घूमते नजर आ रहे हैं जैसे मानो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अब इसी को लेकर पुलायकला तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने बाजारों का दौरा किया और इस दौरान जनता को मास्क पहनने की अपील करते हुए मास्क वितरित भी किए, साथ ही बिना मास्क के वाहन चलाने वालों पर 50-50 रुपए की भी चालानी कार्रवाई की।